आज बहुत गर्मी है हाँ? हमें यहाँ महसूस हो रही है, आपको तो बहुत महसूस हो रही होगी, कुछ समय से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं आपकी आभारी हूँ कि इतनी गर्मी में भी आप मेरी बातों को सुनने आए। श्री मुकुल वासनिक जी, श्री शक्ति सिंह गोयल जी, श्री अनंत पटेल जी, श्री सिद्धार्थ चौधरी जी, श्री गौरव पांड्या जी, श्री निषाद देसाई जी, श्री दिनेश भाई पटेल जी, श्री किशन पटेल जी, श्री सिद्धार्थ पटेल जी, श्रीमती अमी याग्निक जी, श्रीमती उषा नायडू जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, सभी कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्तागण का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहन, आप सबको नमस्कार, जय जोहार, और आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। ये आपका इलाका है, बहुत प्राकृतिक तौर पर बहुत सुंदर इलाका है। यहाँ आप किसान भाई, छोटे कारोबारी, आप सब की धरती है। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, एक तीर एक कमान एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। देखिए, चुनाव का समय है और इस समय बहुत सारी बातें हो रही हैं मंचों पर, आपके सामने बहुत सारे नेता आ रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मैं भी इस बीच अपनी बात रखने आई हूं, आप थोड़ा दूर बैठे हैं मेरे से लेकिन दिल के बहुत करीब हैं। और करीब इसलिए हैं क्योंकि आप इस महान देश की जनता हो, आपने ही अपने पसीने से, अपने खून से इस देश को बनाया, आपने हमारे देश की धरती को सींचा है। और हर समय जब बड़े बड़े आंदोलन भी रहे, जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन रहा, तब भी आप लोग आप आगे आए, आप देश के लिए लड़े, आजादी के लिए लड़े, समानता के लिए लड़े। आज देखिए जो देश में परिस्थितियां हैं, मैं चाहती हूं कि दो तरह से आप इनको समझें। सबसे पहले तो जो आपकी अपनी परिस्थिति है, जो आपका अपना जीवन है, जो आपका अपना संघर्ष है, जो रोज सुबह से शाम को जिन समस्याओं का आप सामना करते हैं, जिस तरह से आप हर रोज, आपके सामने एक तरह से एक लड़ाई होती है, क्योंकि महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, चाहे परिवार में कितने भी लोग कमाने निकलें, पूरा नहीं होता। जब त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, या कोई बीमार पड़ जाता है, उसका इलाज करना पड़ता है, तो मुश्किलें ही मुश्किलें लगती हैं सामने। और आजकल देश में जो आम आदमी है, उसके लिए जीना ही बहुत मुश्किल हो गया है। हर स्तर पर परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जैसे आप खास तौर से अपने समाज को देखें, तो आपकी एक जल जंगल जमीन की एक संस्कृति है। मेरी दादी जी इंदिरा जी हमेशा कहती थी कि उनके दिल में सबसे ज्यादा आदर आपकी संस्कृति के लिए इसलिए था क्योंकि आपकी संस्कृति में चाहे जल हो, चाहे जमीन हो, चाहे जंगल हो, उसे बहुत आदर से, प्रकृति को बहुत आदर से, और प्रकृति के जो खुद की जो प्रकृति के नियम थे उनका आदर करते हुए आपने अपने जीवन में नियम बनाए। तो दादी जी हमेशा कहती थी कि सबसे ज्यादा वह आदिवासी संस्कृति का आदर करती थी। इसीलिए जब देश स्वतंत्र हुआ और जब हमारा संविधान बना, तो उस संविधान में खास तौर से सबको समान अधिकार मिला, ताकि चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे छोटा सा किसान हो कहीं, चाहे अपना कोई कारोबार करता हो, या फिर कोई बड़ा बिजनेस करता हो, या प्रधानमंत्री हो, या मंत्री हो, या कोई रईस आदमी हो, सबका एक समान अधिकार इस संविधान ने हमें दिया। और इस संविधान को बनाने के लिए, हमारी आजादी के लिए,
हमारे बड़े बड़े महापुरुष लड़े। तो इस संविधान ने अगर आपको कुछ दिया है तो ये जल जंगल जमीन का जो अधिकार है वो दिया है, वोट का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, आरक्षण का अधिकार दिया है। अब आप जानते ही हैं, आपने देखा होगा कि भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। देखा है आपने, सुना है, टीवी पे देखा। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने इस देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं। तो शुरू में क्या कहते हैं कि चलो एक उम्मीदवार से कहलवा दिया, एक मंत्री से कहलवा दिया, किसी और से कहलवा दिया और हम मना करेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं करने जाएंगे। जैसे ही सत्ता फिर वापस आती है तो वही चीज करते हैं जिसको इन्होंने नकारा था। तो ये इनका एक पुराना सिलसिला, एक पुराना तरीका है। आज हमने देखा कि कितनी खतरनाक चीज कह रहे हैं कि इनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। 10 सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा लोकतंत्र, जिससे आपके अधिकार, चाहे आदिवासियों के अधिकार हो, चाहे दलितों के अधिकार हो, चाहे किसी आम जनता के अधिकार हो, उनको मजबूत करने का काम नहीं किया है, सिर्फ उनको कमजोर करने का काम किया है। और जितने भी ऐसे संस्थान हैं जो लोकतंत्र को बचाते हैं, जो आपको बचाते हैं, आपके अधिकारों को बचाते हैं, उनको कमजोर किया है। चाहे आप मीडिया को लीजिए, एक जमाने में जब हम लोगों की सरकार होती थी तो मीडिया हर रोज हमसे सवाल उठाती थी, हर रोज कहती थी कि भाई सरकार ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है। और ये अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए, किसी ने उन्हें टोका नहीं, किसी ने उन्हें जेल में नहीं डाला, किसी ने उन्हें उनका मुंह बंद नहीं किया, किसी ने उन्हें खरीदने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, पूरी मीडिया बिकी हुई है, पूरी मीडिया कुछ बड़े बड़े खरबपतियों की है, आपको सच्चाई दिखती नहीं है। तो आपको कौन सी सच्चाई दिख रही है? दो अलग सच्चाइयां हैं। एक तो आपको दिख रहा है कि जो टीवी पे दिखता है कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सब चमकीला सुंदर दिखता है। कभी G20 की बात होती है, कभी किसी और चीज की बात होती है। जब भी मोदी जी दिखते हैं अकेले मंच पर, उनसे ये आपको पता चलता है कि कितने एक इंसान की कितनी सत्ता है, कितने बड़े नेता बन गए, यही बताया जाता है। दूसरी तरफ आपका जीवन, दूसरी तरफ आपके संघर्ष, दूसरी तरफ आप दुकान जाते हैं, मेरी बहनें जाती हैं, कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, सब परिवार में सब काम कर रहे हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, कहीं ना कहीं से नौकरी तो मिल नहीं रही है, जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से कमाई कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, फिर भी पूरा नहीं होता। बेरोजगारी चरम पे है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। और टीवी में आपको क्या दिखता है? सब सुंदर, सब चमकीला। आज सबसे आसान हो गया है आदिवासियों की जमीन छीननी, जंगल छीनने, नदी से जो नदी के साथ में लगी हुई जमीन है उसको छीनना, हिंसा हो गई है बहुत आपके समाज के साथ, बच्चियों की तस्करी होती है, आपका उत्पीड़न होता है, कोई कुछ नहीं कहता। जगह जगह जहां इनकी सरकारें हैं, अत्याचार होते हैं आप पे, आप देखते होंगे, हमने भी देखे वीडियो पे, कभी कभी निकल आते हैं, किसी ने कुछ किया नहीं इसको रोकने के लिए, कोई आपका साथ नहीं देता, आपकी सुनवाई नहीं करता।
तो ये आज पूरे भारत में आदिवासी समाज के साथ हो रहा है। आदिवासी समाज लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए, अपने प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ। यहाँ जो आपके उम्मीदवार अनंत पटेल जी हैं, ये खुद संघर्ष और आंदोलन से निकले हैं, खुद आपकी लड़ाई लड़ते हैं, आपकी आवाज उठाते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत चर्चा है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र के बारे में। इस बार हमने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। न्याय पत्र का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं और आपको अपने जीवन में महसूस हो रहा है कि पिछले 10 सालों से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन आपके जीवन में तरक्की नहीं आई, आपको न्याय नहीं मिला। इसी तरह से राहुल जी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष महोदय जी, खड़गे जी और सब नेता सब देख रहे हैं कि 10 सालों में सिर्फ अन्याय ही अन्याय हुआ है आप सबके साथ। इसीलिए हमने इस बार अपने घोषणा पत्र का नाम ही न्याय पत्र लिखा और राहुल जी ने एक न्याय यात्रा निकाली जिसमें वो गुवाहाटी से मुंबई तक चले और कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो पैदल चले उससे पहले 4000 किलोमीटर। ये कहने के लिए कि अब देश को न्याय चाहिए, देश के गरीब को न्याय चाहिए, देश के किसान को न्याय चाहिए, देश के आदिवासी को न्याय चाहिए, देश के दलित को न्याय चाहिए, क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने जो न्याय पत्र बनाया है उसमें हमने काफी ऐसी स्कीम और काफी ऐसी गारंटी हम लाए हैं जो हम पूरा करके आपको दिखाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में रही थी, चाहे आज हिमाचल प्रदेश में है, तेलंगाना में है, वहां वहां जो गारंटी हमने चुनाव से पहले दी उनको हम आज पूरा करके दिखा रहे हैं। आप कर्नाटका में किसी भी महिला से पूछ लीजिए, क्या वो फ्री में बस यात्रा करती है? वो बोलेगी कि हाँ कर रही हूं। किसी भी महिला से पूछिए कि क्या आपको हर महीने 2000 रुपए मिल रहे हैं सरकार से, वो मना नहीं करेगी, कहेगी कि हाँ जब से कांग्रेस की सरकार आई है मुझे मिल रहे हैं। तो इसी तरह से हमने खास आपके समाज के लिए कुछ हम गारंटीज लाए हैं। हम एक विशेष बजट आपके लिए जारी करेंगे और जो वन अधिकार का कानून है जिसमें आपको पट्टे जो पट्टे आपको मिले थे उनका फैसला एक साल के अंदर अंदर हम करवाएंगे। SC ST का जो सब प्लान है उसको हम लागू करेंगे और आदिवासियों की जहां पे ज्यादा जनसंख्या है उन जगहों पे, उन क्षेत्रों को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे ताकि आपको सब सुविधाएं मिले। और जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी हम 400 रुपए की करेंगे ताकि कोई आपका शोषण न कर पाए। देखिए यहाँ पे प्रवासी बहुत हैं। मुझे याद है कोरोना के समय यूपी और बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस गए थे। मोदी जी की सरकार ने तो कह दिया एक दिन में कि सब कुछ लॉकडाउन हो गया है, बसें बंद, ट्रेनें बंद, दुकानें बंद, और लोगों को इतनी पीड़ा हुई, गुजरात से उत्तर प्रदेश तक, बिहार तक पैदल निकले, किसी को पता नहीं था पहुंचेंगे कि नहीं, और कोई चारा ही नहीं छोड़ा। मुझे याद है उस समय एक लड़का अनूप तिवारी, यूपी का था, चाय बेचते थे वो, टीवी पे हमने उनको देखा। उस समय इतनी दिक्कत हो रही थी, इतना दुख हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि क्या करें। उस समय अनूप टीवी पे आए और रोने लग गए और जब हमने ये देखा तो हमने अपने ऑफिस में किसी से कहा कि भाई ढूंढिए इन्हें, इनसे बात करने की कोशिश करिए, हम मदद करना चाहते हैं। और उनके जरिए 7000 टिकटों की व्यवस्था हुई। यहां से तमाम प्रवासी भाई बहन अपने घर सही सलामत पहुंच पाए। तो देखिए, अगर कोई नेता हो, कोई राजनीतिक दल हो, कोई सरकार हो जिसकी नियत ठीक हो, जो आपके लिए सही काम करना चाहती है, तो कोई नहीं रोक सकता।
और अगर आपको ये परिस्थिति दिख रही है अपने जीवन में कि 10 सालों से आपके लिए कुछ किया नहीं गया है, तो नियत में जरूर कुछ खोट होगी। वापी और सरी गांव का जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, मैंने सुना है यहां भयावह प्रदूषण है और पर्यावरण की जो परिस्थितियां हैं बहुत खराब है, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। मुझे बताया गया है कि वलसाड के एक हिस्से में तो मोबाइल नेटवर्क ही नहीं आता, पीने के पानी की समस्या है, किसी को पीने का पानी नहीं मिलता। अस्टोल परियोजना में 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन अभी तक पानी की सुविधा नहीं आई, एक बूंद पानी नहीं मिलता आपको। और तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके जरिए आपको बताया गया था कि आपको आवास मिलेंगे, आपके लिए घर बनाए जाएंगे, वो भी आज तक नहीं पूरे हुए। मछुआरे भाई बहन हैं मेरे यहाँ, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। हमने अपने न्याय पत्र में खास अपने मछुआरे भाई बहनों के लिए लिखा है, और ये गारंटी है हमारी कि हम आपके आईडी कार्ड की सुविधा बनाएंगे और आपके लिए और आपके जो नाव है उसके लिए इंश्योरेंस की स्कीम लाएंगे। जो डीजल आपको आज इतना महंगा मिल रहा है उस पे हम आपके लिए खास सब्सिडी लगवाएंगे। देखिए, इस ऐतिहासिक बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारी गारंटी है कि जितने सरकारी पद केंद्र में खाली पड़े हैं, और आज 30 लाख खाली पड़े हैं, उन सबको भरा जाएगा। 5000 करोड़ रुपए का एक फंड बनेगा ताकि जो नौजवान है अगर वो छोटा सा अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसके लिए सुविधा होगी। जो बच्चे स्नातक पास हैं उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम होगा उनके लिए, ताकि जब ये पास होते हैं, जब इनकी शिक्षा पूरी होती है, तो जब रोजगार मिलने से पहले इनको अप्रेंटिसशिप मिलेगी और इनको 1 लाख रुपए सालाना मिल जाएंगे। शहरों में हम न्यूनतम रोजगार की गारंटी देते हैं, जिस तरह से गांव में गारंटी होती थी मनरेगा की, खास तौर से कांग्रेस की सरकार ने शुरू की, और शुरू शुरू में मोदी जी ने उसको खत्म करने की कोशिश की, फिर उनको समझ में आया कि ये सही प्रोग्राम है तो उसको छोड़ दिया और अभी भी है। उस तरह का प्रोग्राम हम शहरों में भी लाएंगे, ताकि शहरों में भी एक जो 100 दिन की मजदूरी है वो गारंटी करेंगे। आज यहां आपके क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी ज्यादा है, ये सच बात है। रोजगार दिलवाने का काम किसी ने किया नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्या हमेशा प्रयास रहा है कि रोजगार बनाए जाए, तो कांग्रेस के राज में आपको याद होगा सरकारी रोजगार मिलते थे खूब सारे। जो ये सारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, कांग्रेस के ही जमाने में ही बनी और तभी सफल हुई। तो कांग्रेस का पूरा प्रोग्राम है कि आपके लिए रोजगार बनाएंगे। जो ये कमर तोड़ महंगाई है कि आज पेट्रोल 100 रुपए पार है, डीजल 90 पार है, सोना 73,000 पार, चांदी 90,000 पार, गैस सिलेंडर का तो पूछिए ही मत, 1200-1300 तक आप दे रहे थे, चुनाव आने लगा मोदी जी ने अचानक कह दिया कि इसको 400 हो गया है ये। तो आप सोचिए, अगर चुनाव के पहले 400 कर सकते थे तो फिर आपको इतने सालों के लिए क्यों तड़प पाया। तो आप सालों के लिए 1000 रुपए, 1100 रुपए, 1200 रुपए क्यों दे रहे थे सिलेंडर के लिए? क्योंकि जब चुनाव आता है तब इनको आपके प्रति हमदर्दी आती है, बाकी समय ये आपके बारे में सोचते नहीं है। जब ये आते थे चुनाव, पिछले चुनाव के प्रचार के लिए, तो आपको ये दिखाया जाता था जैसे सुपरमैन आ रहे हैं, सारी ताकत इनके पास है कि नहीं। पिक्चर देखी आपने, शक्तिमान वाला देखा, उसी तरह से आते हैं, सारी सत्ता इनके पास, अकेले अकेले ऐसे मंच पर सुपरमैन बनके मिले क्या आपको? महंगाई मैन मिल गए, हर चीज को महंगा कर दिया। अब जब आप उनको देखेंगे मंच पे तो याद रखिए, महंगाई मैन को देख रहे हैं आप, सुपरमैन नहीं है ये।
और अगर इतनी ही ताकत होती इनमें जितनी ये लोग सारे कहते हैं, भाजपा के जो नेता हैं, कि मोदी जी में इतनी ताकत है, सारे दुनिया के जो प्रधानमंत्री हैं, जो दुनिया के जो राष्ट्रपति हैं, इनकी तरफ देखते हैं, ये तो चाहे तो चुटकी भर में जंग बंद करा सकते हैं जो दुनिया में जंग चल रहे हैं, कहते हैं ना ऐसा। तो चुटकी भर में बेरोजगारी कम क्यों नहीं की? चुटकी भर में आपकी महंगाई कम क्यों नहीं की? चुटकी भर में आपके पास पानी क्यों नहीं लाए? कभी सोचा है आपने कि आपको बताया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है? आप जीवन क्या जी रहे हैं? देश का जो आम आदमी है वो जी क्या रहा है? उसके संघर्ष क्या है? इनको तो मालूम ही नहीं है। ये तो घिर गए हैं सत्ता से। इनके आसपास जो भी लोग हैं इनसे डरते हैं, इनको कुछ कहने से डरते हैं। देखिए, हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, परिवार में भी प्रधानमंत्री रहे दो, सत्ता को देखा है, समझते हैं कि सत्ता में क्या होता है। सारे चमचे आसपास आ जाते हैं कि नहीं? सब वही कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। और अगर नेता समझदार ना हो, अगर नेता में ज्यादा अहंकार हो, और अगर नेता आपको अपने आप को सर्वोपरि समझता है, तो वो नेता आस्ते आस्ते खुद भटक जाता है। तो आज के दिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने अहंकारी हैं, आप मुझे बताइए, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता। उनको कैसे मालूम होगा कि आपकी परिस्थितियां क्या हैं? आपके बीच तो आते नहीं है। आपको याद है, इंदिरा जी आती थी, राजीव जी आते थे, मैं खुद उनके पीछे पीछे जाती थी, बच्ची थी, गांव में डांट खाते थे। अपने ही संसदीय क्षेत्र में अमेठी की महिलाएं डांट देती थी कि अच्छा है भैया, हम प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन हमारी सड़क बना दो पहले। और वो नाराज नहीं होते थे, कभी नाराज नहीं होते थे, प्यार से बोलते थे कि बहन कर दूंगा, मैंने इसका ऑर्डर दे दिया है, कुछ समय तो दे दो मुझे, हो जाएगा। ये थी हमारी परंपरा, और ये हमारी पुरानी परंपरा है देश की। इंदिरा जी तो कितना आई, मैं छोटे से छोटे आदिवासी गांव में जाती हूँ, छोटे से छोटे घर में मुझे एक महिला मिलती है, बूढ़ी सी, बताती है कि मैंने आपके लिए, आपकी दादी जी के लिए मैंने खीर बनाई थी। और मुझे खुद ताज्जुब होता है कि दादी जी उस जमाने पे पहुंची कैसे। हम तो हेलीकॉप्टर लेके, फिर गाड़ी में जाके, फिर कैसे पहुंचे वहां, वो कैसे आती थी जब वो साधन ही नहीं थे उस समय इतने, लेकिन वो पहुंचती थी, क्योंकि यही हमारे देश की परंपरा रही है, अहंकार की परंपरा नहीं रही है। हमारे देश की जो परंपरा है महात्मा गांधी जी से लेकर सारे नेताओं की, वो यही रही है कि जनता सर्वोपरि है, कि इस देश का किसान सर्वोपरि है। आज किसान को देखिए, आंदोलन करता है, दिल्ली आकर लाखों किसान बैठते हैं सर्दी में, उनकी बिजली काटी जाती है, पानी काटा जाता है, मोदी जी घर से नहीं निकलते, पूछते नहीं हैं। 600 किसान शहीद हो जाते हैं, कुछ किसानों को एक भाजपा का मंत्री कुचल देता है अपनी जीप के नीचे, मोदी जी फिर भी कुछ नहीं कहते हैं, सुनवाई ही नहीं होती। वो कानून तब बदले जाते हैं, तब वापस लिए जाते हैं जब चुनाव आने लगता है। बस चुनाव की परवाह है बहनों और भाइयों, सत्ता की परवाह है, आपकी परवाह नहीं है। आज किसान खेती के हर सामान पर जीएसटी दे रहा है, इतनी महंगाई हो गई है उसके लिए कि खेती से कमाई ही नहीं हो रही है। ऊपर से बड़े बड़े खरबपति मित्र जो हैं मोदी जी के, उनको सारी खेती की सारी वो दे रखी है, और बड़े बड़े उद्योग सारे दे रखे हैं देश के, और देश के बंदरगाह दे रखे हैं, देश के एयरपोर्ट दे रखे हैं, सब कुछ, सारी देश की संपत्ति उनको दे रखी है। देश का किसान कर्ज लेता है 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए के लिए आत्महत्या करता है। मैं गई हूं ऐसे किसानों के घरों में, यूपी में ललितपुर में एक किसान के घर गई थी, बेटी रो रही थी, आंसू रुक ही नहीं रहे थे,
पिता ने 1,00,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर ली। खड़े हुए थे लाइन में खाद लेने के लिए कि खाद मिल जाएगी, कुछ कमाई हो जाएगी। 3 दिन खड़े रहे वितरण केंद्र के बाहर, सरकारी वितरण केंद्र भी नहीं था, प्राइवेट था, क्योंकि सरकारी वाला बंद हो चुका था। खड़े रहे, घर नहीं आई, बेटी कहती रही पानी पी लो, कुछ खा लो, नहीं अगर मैं लाइन छोड़ूंगा मुझे खाद नहीं मिलेगी। घर आते हैं, कुछ नहीं मिला, घर आते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरे एक किसान लाइन में ही मर जाते हैं। 10,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए, 1,00,000 रुपए के लिए। और मोदी जी के खरबपति मित्र, उनके लिए मोदी जी ने 16,00,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। 16,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज उनका माफ, और किसानों के लिए 1 रुपया कर्ज माफ नहीं किया। कैसी सरकार चल रही है देश में, अपने आप से पूछो। कोई ये नहीं कहता कि उद्योगपतियों को आगे मत बढ़ाओ, बढ़ना चाहिए, रोजगार मिलेगा, चलो आगे बढ़े। लेकिन कभी पहले इस पूरे देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 5-6 उद्योगपतियों को सारी देश की संपत्ति पकड़ा दी है? देश के बैंक, देश का पैसा, 16,00,000 करोड़ रुपए उनको माफ। 15,000 करोड़ का गन्ने का बकाया होता था यूपी के किसानों का, कोविड से पहले ही 15,000 करोड़, इनको आपने 16,00,000 करोड़ माफ कर दिए। 15,000 करोड़ का जो गन्ने का बकाया था वो भी नहीं दिया, उसके बजाय 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने नए संसद को बनाने में लगा दिए, जबकि अच्छा खासा संसद था। तो सोचिए सरकार सोच क्या रही है, इसकी नियत क्या है, किसके लिए चल रही है? इस देश के गरीब के लिए चल रही है? इस देश के मिडिल क्लास के लिए चल रही है? इस देश के अधिकारी के लिए चल रही है जो पेंशन मांग मांग के मांग मांग के थक गया? कांग्रेस की जहां जहां प्रदेश की सरकार है वहां आज ओपीएस लागू है, भाजपा की सरकारों में लागू ही नहीं है। अधिकारी घबरा रहे हैं, कह रहे हम नौकरी के लिए जब गए थे तो हमें यह आश्वासन था कि रिटायर होंगे तो हमें पेंशन मिलेगा, कि हमारा जीवन अब सुरक्षित है। आज परिस्थितियां क्या है, पता नहीं कि पेंशन के पैसे कहां जा रहे हैं, किसमें डाले जा रहे हैं, घबराहट होती है। तो हर स्तर पे आप देखिए, चाहे किसान के साथ, चाहे आदिवासी के साथ, चाहे दलित के साथ, चाहे महिलाओं के साथ, हर स्तर पे झूठ का बोलबाला है। बस हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम महिलाओं का एक को स्वतंत्र बनाएंगे, ये करेंगे, पैरों पे खड़ा करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। महिलाओं पर अत्याचार होता है, मोदी जी मुंह फेर लेते हैं। बार बार हमने यही देखा, हाथरस में हुआ, पलक भी नहीं झपकाए। उन्नाव में हुआ, जिसने अत्याचार किया उसको बचाया। उसके बाद ओलंपिक वाली जो हमारी मेडलिस्ट है, जब ओलंपिक का मेडल जीत के आई तब मोदी जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई। जब वही लड़की सड़क पे बैठ के कहती है मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मोदी जी का घर 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है, निकल के भी नहीं आते, उसको तब बुलाते नहीं है चाय पे। फिर पूरे देश के सामने बड़े बड़े मंचों पर सारी भाजपा की महिला नेत्रियां मोदी जी पे माला लगाकर कह रही हैं कि मोदी जी ने आरक्षण दे दिया है महिलाओं के लिए। सच्चाई क्या है, जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है संसद में वो 5-6 सालों तक मिलेगा ही नहीं, वो नाम के वास्ते दिया है। स्कीम्स जो दी हैं आपके विकास के लिए नाम के वास्ते हैं। अगर नाम के वास्ते नहीं होती तो आपको दिखती ना जमीन पे, तो आपके जीवन में तरक्की आती। वहां 16,00,000 करोड़ रुपए देश के दे दिए, संपत्ति दे दी, बंदरगाह दे दिए, हवाई अड्डे दे दिए, यहां क्या दिया, 5 किलो राशन का बोरा। और इस 5 किलो राशन के बोरे पे कहते हैं कि आपका भविष्य बनेगा। किसने दे दी इनको ऐसी हिम्मत? राशन अच्छा है, सबको मिलना चाहिए, लेकिन क्या आप अपने नौजवान बच्चों का भविष्य इस राशन के बोरे पे बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं।
कल मुझे कोई बोलेगा ऐसे कि भाई बेटा काम ना करे, हम 5 किलो राशन देते रहेंगे, लड़ पड़ूंगी मैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों, काम करें, रोजगार करें, कमाई करें, भविष्य उनका उज्जवल रहे, आज कुछ काम करें, कल प्रमोट होके कुछ और करें, कुछ बड़ा करके दिखाएं। और हमारे देश की सरकार ने, हमारे सबसे बड़े जो प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके पास इतनी सत्ता है, उन्होंने ये कह दिया कि बस 5 किलो राशन लो, चुप रहो, और कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है, सब अडानी जी, अंबानी जी और मेरे सारे दोस्तों के लिए, आपके लिए नहीं है। ये है आज की परिस्थिति। तो जब मैं कहती हूं कि ध्यान से इन बातों को समझो, तो मेरा मतलब यह है कि जो आपका जीवन है ना, वही सच्चाई है और कोई सच्चाई नहीं है। और ये जो है, ये बात जो है, गहरी बात है, ये हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है। जितने भी संत महात्मा रहे, वो हमेशा यही कहते थे, अपनी सच्चाई देखो, अपने अनुभव पर उतरो। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, लेकिन यहां खड़े होकर एक जिम्मेदारी तो महसूस करती हूं आपके प्रति। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।